गाइस यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अब आप लोग जो है अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर 480p से ज़्यादा की क्वालिटी में वीडियो नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है फुल एचडी कंटेंट को देखने की, या फिर अगर आप देखना चाहते हैं 720 में, 1080p में, तो कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो भी बिना बीपीएन के। क्योंकि बीपीएन से क्या होता है कि जो इंटरनेट की स्पीड होती है ना वो और ज़्यादा स्लो हो जाती है, और वैसे ही इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो है अगर हम बीपीएन का यूज़ करेंगे तो वीडियो चलेगा कहाँ से। इसलिए जो है बिना बीपीएन के बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज आपको आना है आपके मोबाइल फ़ोन पे और यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करना है। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे YouTube.com को इस तरीके से ओपन कर लेना है। जब आपका YouTube ओपन हो जाए तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपको ये 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको डेस्कटॉप साइट देखने को मिलेगा और इसके सामने एक छोटा सा बॉक्स होगा, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका YouTube आपके कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप किसी वीडियो को देख सकते हैं। साइड में आपको जो है ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप ट्रेंडिंग की वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपने जिन लोगों को सब्सक्राइब करके रखा है तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है यहाँ से आप उनकी वीडियो को भी देख सकते हैं। ऊपर आपको ये सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप जो है किसी वीडियो या किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकते हैं या किसी भी चैनल को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक चैनल को सर्च कर लेते हैं, तो इनकी वीडियो को मैं आपको फुल एचडी में चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम इनके चैनल के ऊपर जाते हैं, इनके चैनल का नाम है फूड ब्लेज, और यहाँ पे आने के बाद वीडियो में आ जाते हैं, और वीडियो में आने के बाद जो सेकंड नंबर की वीडियो है इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए अगर आपको इस तरीके से देखना है फुल एचडी में तो आप फुल एचडी में इस तरीके से देख सकते हो। अगर आपको फुल स्क्रीन पे देखना है तो ऐसे में आपको आपके मोबाइल का जो रोटेशन होता है ना उसको ऑन करना होगा। तो यहाँ पे हमारा रोटेशन ऑफ है तो हम ऑन कर देते हैं इसको क्लिक करके, और इसके बाद देखिए जैसे आप मूवी देखते हैं ना उसी तरीके से आपको फ़ोन को पकड़ना है। अब देखिए स्क्रीन जो है वो रोटेट हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और वीडियो पे एक क्लिक करना है। अब यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है वो आपके पूरे मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे ना तो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि वीडियो प्ले का ऑप्शन, या वीडियो नेक्स्ट का, या फिर वॉल्यूम का ऑप्शन, और इसके बगल में आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालिटी और यहाँ लिखा है ऑटो 240p, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वीडियो के अलग अलग रेजोल्यूशन आ जाएंगे, जैसे कि 1080p, 720, 480p और इस तरीके के दूसरे ऑप्शन। तो जिस पे भी आपको चलाना है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे कि हम चलाते हैं 1080p पे, तो इस पर क्लिक कर दिया, और इसके बाद देखिए ये वीडियो थोड़ा सा बफर होगी और उसके बाद प्ले होगी। और ऊपर आपको ये जो व्हाइट कलर का बॉर्डर दिख रहा है ना, तो इसको हटाने के लिए आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है स्क्रीन को इस तरीके से। इसके बाद देखिए व्हाइट कलर का जो बॉर्डर ऊपर आ रहा था वो भी हट जाएगा। अब देखिए वीडियो जो है वो प्ले हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वीडियो प्ले हो रही है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ वापस से और वापस से सेटिंग पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वालिटी है 1080p की है, फुल एचडी पे ये वीडियो इस समय चल रही है। इसके अलावा यहाँ से आप जो है वीडियो को आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हो, तो इस तरीके से आप जो है अपनी किसी वीडियो को फुल एचडी पे या फिर 720 पे आराम से चला सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो को यूट्यूब एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो वहाँ से भी आप जो है लिंक को कॉपी करके डायरेक्टली जो है क्रोम ब्राउजर पे चला सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम कोई वीडियो सर्च कर लेते हैं या फिर आपके सामने कोई वीडियो आती है और उसको आपको फुल एचडी में देखना है, तो क्या करना है आपको कि उसके बगल में 3 डॉट का ऑप्शन होता है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो शेयर का ऑप्शन होता है वहाँ पे क्लिक करके उसके लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको आना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर इस तरीके से, और इसके बाद जो है उस लिंक को यहाँ पे पहले यूट्यूब को खोल लेना है या फिर लिंक को पेस्ट कर देना है। तो हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है सर्च में उस लिंक को डाल देते हैं इस तरीके से, देखो ठीक है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली लिंक भी क्रोम में पेस्ट कर सकते हो। लिंक पेस्ट करने के बाद आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी, तो आपको वीडियो को प्ले कर देना है, और प्ले करने के बाद ऊपर ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है ना यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको नीचे डेस्कटॉप साइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके सामने जो ये पेज है वीडियो का ये आपके सामने डेस्कटॉप मोड पे खुलेगा, और वापस से आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, तो वापस से आपको वीडियो को प्ले कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि फुल स्क्रीन पे कैसे देखना है रोटेशन ऑन करके, तो उसी तरीके से आपको कर लेना है, और यहाँ पे नीचे क्लिक करना आइकन पे, और आपकी जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन पे इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ से आप सेटिंग से इजीली उसकी जो क्वालिटी है उसको इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 720, तो मैंने यहाँ पे 720 पे सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल आज मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है, इसी वजह से जो है टेलीकॉम ऑपरेटर ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया,
ताकि सभी को सही नेट मिल पाए। तो देखिए वीडियो प्ले हो गई है और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल का नाम है फूड ब्लिस। और यहाँ पे जैसे आप यूट्यूब के एप्लीकेशन में डबल टैप करके वीडियो को फॉरवर्ड करते हो ना, तो यहाँ पे भी आप इजीली फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरीके से आप जो है फुल एचडी में कंटेंट को प्ले कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो।